हजार साल पहले धरती पर थे एलियन, मेक्सिको ने दिखाया सबूत तो नासा ने भी कर दिया बड़ा दावा। मेक्सिको की सदन में तीन उंगलियों और बड़े सिर वाले एलियन का दिखाया गया शरीर। क्या अमेरिका छुपा रहा है एलियंस को लेकर कोई बात? अब नासा ने भी की यूएफओ और यूएपी की बात। क्या हुआ था 1930 में? क्या धरती पर दिखे थे एलियन? क्या छुपा रहा है अमेरिका जिसे बोल दिया उनके अधिकारी ने? तीन उंगलियों वाला इंसान, बड़ा शरीर और बनावट भी अलग, क्या ये एलियन है? मैक्सिको ने हजार साल पुराने एलियन के सबूत को दुनिया को दिखाया तो सब चौंक गए। मैक्सिको के सदन से लाई किया गया जिसे दुनिया भर के लोगों और वैज्ञानिकों ने देखा। लकड़ी का डब्बा जिसमें दो कार्पोसेस। इस शरीर को देखते ही दुनिया भर में एलियन के अस्तित्व की बात होने लगी। मैक्सिको ने दावा किया पेरू के खदानों से उन्हें यह शरीर मिला है। कई अन्य देश भी एलियन को लेकर रिसर्च करते रहे हैं, पर अमेरिका हमेशा से इस मामले में चर्चा में रहा है। अमेरिका में यूएफओ के चर्चा होती रही है। दावा किया गया था कि 1930 में क्रैश में दूसरे ग्रह का स्पेसक्राफ्ट मिला था, बॉडी भी मिली थी जो कि इंसानों की नहीं थी। वहीं अमेरिका में यूएफओ के शोध को लेकर कहा गया कि अमेरिका यूएफओस के रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहा है। अमेरिका कई सालों से यूएफओ और एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी से जुड़े एक पूर्व अधिकारी ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी थी। इसी साल जुलाई महीने में अमेरिका के खुफिया एजेंसी से जुड़े एक पूर्व अधिकारी ने कहा, सरकार के पास निश्चित रूप से कुछ एलियन से जुड़े सामान और उनके अवशेष हैं, जिसके बाद से ये बातें तेज हुई कि क्या अमेरिका दुनिया से कोई सच छुपा रहा है। वहीं अब नासा में 16 रिसर्चरों की एक टीम ने एलियंस को लेकर अपनी शुरुआती रिपोर्ट में जानकारी दी है कि पिछले 27 सालों में 800 से ज़्यादा एलियंस और यूएफओ की घटनाएं हो चुकी हैं। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने वॉशिंगटन डीसी में एजेंसी के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए कहा कि नासा एलियंस को लेकर कोई भी काम पारदर्शी तरीके से करेगा। इसी समय नासा के अधिकारी ने कहा उन्हें नहीं पता कि यूएफओ या यूएपी क्या होता है, क्या इसका किसी दूसरे ग्रह से संबंध है, लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि इनका दूसरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, पर यह संभव है कि धरती पर कुछ पर्यावरणीय बदलावों की वजह से यूएपी धरती के चारों तरफ या उसके वायुमंडल में बन जाते हों। ये भी हो सकता है कि एलियन या यूएफओ हमारे एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से आसमान में होने वाले किसी बदलाव का नतीजा हो। नासा ने यह वादा किया है कि वो साइंटिफिक तरीके से इन एलियन या यूएफओ की खोज करेगा, तकनीकी एक्सपर्ट्स की सहायता लेगा। वह इस काम में पारदर्शी रहेगा, दुनिया के सामने अपडेट्स रखता रहेगा। पेंटागन में इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी विभाग ऐसी गतिविधियों पर नजर रखता है। हालांकि पेंटागन में इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी विभाग में डिफेंस के अंडर सेक्रेटरी रोनाल्ड मॉल्ट्री का कहना है कि मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी है, ना ही एलियन स्पेसशिप कहीं क्रैश हुए हैं, ना ही इस तरह की कोई घटना दुनिया में हुई है। वहीं मैक्सिको में कथित तौर पर दिखाए गए शरीर को एलियन से जोड़ा जा रहा है। क्या सच में एलियन होते हैं और इनका संबंध किसी दूसरे ग्रह से है? ये आज तक रहस्य है। बाइक के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस विश्वकर्मा पूजा टेकरीवाल मोटर्स गोड्डा आपके लिए लाया है हीरो बाइक के तीन नए मॉडल, जिसमें करिश्मा XMZ, पैशन प्लस और स्प्लेंडर XTEC। गोड्डा के सबसे पुराने और आपके भरोसे का शोरूम टेकरीवाल हीरो शोरूम, लेटेस्ट डिजाइनों का एक ऐसा शोरूम जहां हीरो के सभी तरह के बाइक मिल जाएंगे, EMI से लेकर एक्सचेंज ऑफर तक टेस्ट राइडिंग के साथ उपलब्ध। अगर आप भी बना रहे हैं नई बाइक लेने का मन, तो देर किस बात की, जल्दी करें। हीरो टेकरीवाल शोरूम, नियर नहर चौक, भतडीहा, गोड्डा, झारखंड।